नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपने शहर हिसार में और हिसार में मेरे साथ हैं 80 साल के वैद्य छबीलदास नेहरा जी। छबीलदास नेहरा जी ने 58 साल तक आयुर्वेद की प्रैक्टिस की है। आयुर्वेद के जो मंत्र हैं, आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, इनको कंठस्थ याद है। और पिछले 3 साल से ये वैदगिरी छोड़ के भगवान का जो भजन है वो कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे आग्रह पे इन्होंने आयुर्वेद पर बातें करने का मन बनाया है। तो आज वैद्य छबीलदास नेहरा जी से पूछेंगे कि आयुर्वेद में उन्होंने किन किन बीमारियों को साधा है और किन किन बीमारियों का घर पे आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो वैद्य जी का स्वागत करते हैं हम। वैद्य जी, आपका स्वागत है। और किस चीज़ पे आपने शोध किया, एक दो बीमारियाँ और बताइए। और जिस तरह नजला है, हाँ, नजले के भी बहुत लोग, नजला जो है लाइलाज बीमारी है। अच्छा, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं, आयुर्वेद में कोई सीधा वैद्य इलाज कर सके नहीं, कोई सब पे इलाज नहीं। हाँ, तो जिस आदमी की पित्त प्रकृति होती है गर्म तासी, उसको बार बार जुकाम होता है और जुकाम होकर 10 दिन से ऊपर जुकाम, अगर विद इन 10 डेज जुकाम ठीक हो जाए तो नजला नहीं बनेगा, और 10 दिन से ऊपर चला जाए फिर सिर जलने लग जाता है, सिर में कच्चापन आ जाता है। डॉक्टर तो एलर्जी कहते हैं इसको। कईयों को 3 रूप होते हैं, कईयों को छींकें आती हैं, नाक से बहता है, कईयों को जो है छींक नहीं आती, नाक खुश्क रहती है, गले में गिरता है और गले फेफड़े उतर जाता है, फिर खांसी हो जाती है, फिर सांस हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, कईयों ने कुछ नाक से वो कुछ अंदर गिर, 3 रूप। तो इस नजले के लिए जो है नी बादाम जो है 7 बादाम, 5 ये अपना उनका दाग, और 10 ग्राम मिश्री शाम को भिगो दे, सवेरे छिलक तार के उनकी चटनी बना ले, चटनी बना ले, चटनी बना ले। और उसने गर्म दूध उबलिया, उसके अंदर उस मिश्री के पानी में घोट के उसने बादाम ने चटनी ने दूध में मिला के पी लो, नरनावासी पी लो, पी लो। महालक्ष्मी विलास रस आता है, एक तो स्वर्ण युक्त होता है, तो थोड़ा महंगा है, एक वैसे लक्ष्मी विलास रस आता है, नारदी है, नारद ऋषि का कहा हुआ, तो वो और ये मकर ध्वज वट्टी, अच्छा, अम्बर युक्त, इनकी पुड़िया बना ले, दो दो रोटी की, दो रोटी वो, दो रोटी वो, और सवेरे शाम झंडू के केसरी जीवन के साथ ले ले। अच्छा, झंडू का केसरी जीवन आता है, उसमें आंवला प्रदान होता है, सोनपरास से कई गुना तगड़ा होता है वो। अच्छा, एक एक चमच में मिला के सवेरे शाम खाली पेट ले ले, 1 घंटे कुछ नहीं खावे, लस्सी दही का परहेज करे, जूस सभी तरह जूस नजला का है। अच्छा, जूस पिया जिसके नजला और घुट जाएगा, नजला और जूस पियोगा और घुट जाएगा। जूस नहीं पीना चाहिए उन्हें, नजला नहीं पीना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, कच्चा प्याज, रंजा प्याज खा ले, मूली कच्ची, चिंकम चिंका हो जाए, अच्छा खोए की मिठाई, कच्चा घी, लाल करके घी खाओ, गाढ़ा दूध, खीर, इनका परहेज करें, परहेज करना चाहिए। हाँ जी, तो ये अगर 6 महीने खा ले तो नजला दमदार। दोस्तों, ये हैं वैद्य छबीलदास नेहरा जी, 80 साल की उम्र है, देख लो कैसे फूल से पड़े हैं। तो बहुत रोगों का इलाज किया है, कुछ बातें हमें भी बताई हैं, फिर मौका मिल गया तो नेहरा साहब से फिर बातें करके जाएंगे। आपको किसी स्पेशल रोग की जानकारी इनसे पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले इंटरव्यू में इनसे उनकी जो नुक्ते हैं वो पूछ के आपको बता दूंगा।